लोहा लेते हुए वहां गोली लागी जो भी शहीद होगा फिर आपका प्राण तक न्योछार कर देगा, मांगो परिवार जो को है भटकतो फिर है। फौज अब मैं जरूर साथ दे रही है बार फिलहाल में, मैं ताई चाहे कि आर्मी में जाऊँ और जॉब करा तो आर्मी की करा। राम राम साहब, मारा नाम है दीप और थे सब देख रहे हो झलको राजस्थान। आपने जो को चैनल है झलको राजस्थान बीको पर थे, अगर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर करने जो को बेल आइकन है बिने भी थे दबा लो। जी हाँ, सबने पता है कि झलको राजस्थान हमेशा जो अपना देश का असली वीर है, बाकी जो की वीर गाथा है बासु थाना हमेशा रूबरू करवा तो रिया करे, और आज भी ही मुहिम ने आगे बढ़ाता हुआ आज आप अजमेर जिला की जो की रूपनगढ़ तहसील है मैंने गुड्डा गुजरांगो जो भी किया करे भी गाँव के अंदर आप। हाँ, आज मैं थाने ये वीडियो का मायने रूबरू करवा बढ़ा शहीद ओम प्रकाश गुजर की वीर गाथा सुन। कद है जगह आर्मी के अंदर भर्ती हो गया 1996 में। थोड़ा बताओ वहाँ के बारे का मायने की वहाँ क्या को नेचर हो थाने कहीं किया करता आर्मी के बारे में कुछ बताया करता कुछ चीज़ें याद हो थाने। मैंने तो ये बताता कि आर्मी ठीक है, आर्मी में जॉब करना है और आर्मी से वो बेस्ट है और वहाँ को सेंटर आयो फतेहगढ़। जब ट्रेनिंग हुई जो फतेहगढ़ हुई बी के बाद कमान मैंने 27 राजपूत में डाल दिया, तो 27 राजपूत में यहाँ भी ड्यूटी कर रहा। पहली पोस्टिंग कौन सी जगह हुई फतेहगढ़ ही गया मैं पहले पहले अजमेर हूँ अपना हुई जॉब तो अजमेर हुई ट्रेनिंग वगैरह तो फतेहगढ़ वहाँ सेंटर आयो। मैं छुट्टी वगैरह जब भी आया करता तो थाने कुछ आर्मी वगैरह के बारे में कुछ बताता हुए। मैं 2015 में साथ ही रहा, 15-2018 तक लखनऊ में मैं साथ ही और मैंने 1-1.5 महीना पहले ही मैंने गाँव में छोड़ दिया वे कि बाकी दूसरी ट्रांसफर हो गए दूसरी जगह। तो फिर 58 RR में चला गया, 27 राजपूत हूँ। 58 RR में जी जम्मू कश्मीर गया भादरा सेक्टर में, तो बंक लोहा लेते हुए वहाँ गोली लागी जो भी शहीद होगा फिर। कौन सी जगह की बात है आज? CBS भादरा जम्मू कश्मीर। बी टाइम पर था कि बात कद हुई है आखिरी बार? बी टाइम आखिरी बात तुम्हारी शाम का ही हुई और सुबह मैंने समाचार मिल गया 10-11 बजे से। तो कई बात किस दिन कहीं किया वगैरह? एक दो दिन पहले वह भी जगह पुग गया जम्मू पहली सिक्किम जम्मू जी टाइम पुग गया वे तो मैंने किया कि मैं जम्मू पुग गया और कोई दिक्कत को नहीं। तो थाने भी आर्मी में जवा के लिए मोटिवेट वगैरह कराया करता है? हाँ मैंने भी क्यों आर्मी में लागण आपने और तैयारी करना। कौन सी तारीख है जिस दिन पे देश के लिए आपकी जान है जी नौछावर कर दी शहीद होगा? हवा बस 7 मार्च 2018 पहली फोन मार के नहीं आई और मैंने भी बताया कि इनकी कोई बात होगी। पार्थिव शरीर जो को है वो कितना दिन बाद में आया आपने? वहाँ के 10 तारीख ने पूछो लग 10-1 बजे का लगभग सुबह। एक बात बड़ी बात देखिए हाँ कॉमन की शहीद परिवार के लिए जिस दिन शहीद हो जाए है वे दिन बहुत सारा लोग उमड़ा है लोगों के अंदर देशभक्ति है, लेकिन आप एक चीज देखा कि धीरे धीरे है ना लोग बा परिवार ने भूल तो जाए है, नेता भी बहुत सारा है लेकिन भी के बाद में नेता भी भूल जाए है। भी टाइम पर कुछ जो वादा कर रहा था ने वे बाबा के कत्ता कहीं पूरा होगा और कहीं समस्या को सामना था ना बार करना पड़ रहा है। मक्कन वादा यही है जो मैं आर्मी से जो भी आया यूनिट हूँ मैं माँ को पूरा सहयोग कराया, जो मार नेता नांगला है ये भी माँ को बहुत सहयोग कराया और मान वादा कर गया जी का माँ ने 4 दीवारी भी बता दिया। एक तो शहीद परिवार को नौकरी दी जाएगी, एक पेट्रोल पंप दिया जाएगा और भी कुछ जमीन वगैरह के लिए भी बताए थे 25 लाख रुपये अपने राजस्थान सरकार से भी बताए गए थे, लेकिन आज दिन तक हमारे को कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली। या स्कूल वगैरह का नाम भी हुआ करे शहीद अवर तो वे कुछ बमों को जैसे किसी से भी खेर गया बम कुछ भी अभी तक पूरा हुए या कोई भी चीज़ अभी तक आज दिन तक कोई भी काम को नहीं हो तो बस चीज़ों के लिए कदे मतलब नेताओं करने जगह वादा कर गया या फिर कोई भी आऊँ रिलेटेड जगह ऑफिस हुआ करे बंग माने कदे गया थे? मैं सब जगह जा जा परेशान होगा, लेटर दे देर परेशान होगा, अपने अजमेर का वाइन भी मैं दिया, जिला चैनिंग बोर्ड में भी दिया, जगह जगह दिया, लेकिन कोई जवाब कौन दे रहा है? कहीं जवाब मिला कर कई जवाब कौन मिला हो जैसीता को काम हो जैसीता को काम, लेकिन आज दिन तक नहीं हो। कलेक्टर में भी मैं गया 2-3 बार भी एप्लीकेशन भी दी लेकिन कलेक्टर साहब भी कोई पर कोई अज्ञात कौन लियो। बहुत सारा वादा है जगह कराया गया है पूरा जगह कायम हुआ है वहां अंदर एक भी चीज यान की को ना और अभी भी ऑफिस का चक्कर काट रहा है और बड़ो दुख हुआ है आज इस सुन रहे कि जो आपका परिवार ने एक अलग रखर एक देश के लिए जज्बो रखकर अपनी देश के लिए लड़ा है आपकी देश की सुरक्षा के लिए लड़ा है और आपका प्राण तक न्योछार कर दे मांगो परिवार जो को है एक बस चीजा के लिए भटकतो फिर है इस चीज पर बहुत ज्यादा वादा करवाड़ा ने भी शर्म आनी चाहिए। जगह दर्शक है बा उनमें जरूर अटो पूछ बो जासु जगह आप देख रहे हैं बहुत सारा अपनी एक मुहिम है कि शहीद परिवार जगह है बाकी आवाज आप बन रहे हैं तो आप एक चीज से हमेशा कॉमन देख रहे हैं वादा कराया गया है पूरा नहीं हो रहा है तो आज चीज पर थाने कहीं के बोचो कमेंट सेक्शन में जरूर थाने कमेंट करके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने शेयर भी करना है तो जिया ने आर्मी के लिए भी मोटिवेट किया करता तो थे भी कहते आर्मी वगैरह की भर्ती वर्ती देखवा गया फिर? हाँ मैं आर्मी की भर्ती देखवा गया 2019 के अंदर जब शहीद हुई बाद का माइन फतेहगढ़ सेंटर का माइन है
लेकिन मान बेटा वापस निकाल दिया क्योंकि ताकन रिलेक्शन सेक्टिवेट को नहीं माँ कुछ टाइम बनियो को नो। तो एक चीज आप देख सक हाँ कि एक परिवार को सदस्य जो को है खो दियो है देश के लिए, लेकिन भी का बावजूद भी जो को भी के परिवार के अंदर है वो देशभक्ति को जज्बो है जो कम गुनोया करें। अभी भी अजियान बता रहे हैं 2019 का मायने एक गया है भर्ती देखवा के लिए और अभियान एक नौकरी को वादो भी करे है, तो थे भी चाहो कि आर्मी के अंदर जाओ। मैं ही चाहे कि आर्मी में जाऊँ और जॉब करा तो आर्मी की करा। जो सरकार ने या नेताओं ने अगर थे कुछ कहो चाहो कि मारा तो ये कहो है कि एक शहीद परिवार पर जरूर ध्यान दे और माँ को काम करवाओ। मन आज दिन तक कोई राजस्थान सरकार कोई सुविधा मिली को नहीं, मैं की आर्मी फौज अब माँ की जरूर साथ दे रही है बार फिलहाल में। और आपने परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में दादाजी हैं दादी जी हैं और मेरे पापा के 4 बहनें हैं और मेरी 2 बहनें हैं। जो भी जिम्मेदारी जो सब मेरे ऊपर है। शहीद ओम प्रकाश जी का बेटा है और 2 बेटा भी हैं, वो छोटी है। सारी जिम्मेदारी जी की यहाँ के ऊपर है और उम्मीद आने है कि जो का नेता जी का वादा कर गया है वे पूरा होसी। और मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद ये वीडियो के बाद में आगे जगह समस्या है वहाँ को समाधान जल्दी हुआ है। बी के लिए जगह अपना दर्शक जगह देख रहा है वहाँ सबसे रिक्वेस्ट आई रही कि वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो चीज़ा वादा करे गया है जो नेता जगह अभी वादा करवा के बाद में सो चुके हैं बाकी नींद वापस जाग गए और बे बस चीज़ा पर वापस ध्यान देवे। अगर आपने चैनल पर नया हो चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर करने जो बेल आइकन है बिना भी दबा लेना है। और आप मुहिम जकी है अपनी जो शहीद परिवारों में था हमेशा मिलवाता रहा करा आगे भी जकी है चलती रहसी। थका आसपास में कोई यान का है जाऊँ थे जानो हो थे वहाँ कोई यान को परिवार है शहीद परिवार है तो थे चाहो कि बना झलको राजस्थान की टीम जकी है वह कवर करें तो थे अपने जो को कमेंट सेक्शन है भी मैंने कमेंट करते वन बता सको मगर नंबर या वहाँ को एड्रेस जो को है पूरा प्रॉपर डालो ताकि मैं बात तक पूछ सका। मैं था को दोस्त दीप कैमरामैन चंपालाल के साथ। जय हिंद जय राजस्थान।